बसंतपुर थाना क्षेत्र के वर्धा बगही बरहोगा और कुमकुमपुर खोरीपाखड़ के बीच अवस्थित धरिक्षण बाबा के स्थान पर महाविष्णु यज्ञ की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई है। यज्ञ के संचालन अंकुरदास जी महाराज ने उपस्थित जनसमूह को यज्ञ में संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 10 लाख की लागत से बनाने वाले पक्का यज्ञशाला का काम 10 दिन में पूर्ण हो जाएगा। ये यज्ञ मानस तथा वार्षिक अनुराधा देवी जी के मुखारविंद में राम कथा का रसवादन करवाया जाएगा। सीताराम धनु 11 दिन तक गाने वाले संत अयोध्या के पधार रहे हैं। राजलीला रामलीला पार्टी की बातें चल रही हैं। उन्होंने यज्ञ में लगने वाले लाइट संचालन लाउडस्पीकर संचालक एवं पंडाल संचालक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। दक्षिणा बाबा के पास जग होने जा रहा है, क्षेत्र के लोग क्या मैंने आश्वासन दे रहा है? मैं अपने क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद दे रहा हूँ जो तन मन धन से लगे हुए हैं ताकि इस यज्ञ सफल हो सके। आपका परिचय? मैं अमरनाथ पांडे बरवा काला। हरदम में अर्जाम कराते हैं लोग, अर्जाम खीर भोजन चढ़ाते हैं लोग, कथा पूजा कराते हैं लोग, हमेशा बराबर हर महीना महीना में बराबर जब होता ही रहता है। तो यहाँ के घर्षणा बाबा के देन है कि मन्नत लो मांगता है, मन्नत पूरा भी होता है। आपका परिचय? हमारा नाम कृष्णा जी, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सीमान जिला अध्यक्ष, उमा देवी, पूर्व जिला पार्षद पति। आज जो बसंतपुर प्रखंड के तीनों जिला के सटे हुए धरिष्णा बाबा का जो मंदिर है वहाँ जग की जो है कि योजना बनी बन रही है और जो लेकर के बैठक हुई है जग को, इसमें क्या कहिएगा? सबसे पहले आपको नगेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये बैठक हुई है, एक ऐतिहासिक कार्य हम लोग करने जा रहे हैं। ये जग का आयोजन होगा 3 पंचायत नहीं, ये समझिए कि 10-15 गांव और इस क्षेत्र में इस ढंग से हम लोग कार्य करेंगे कि एक ऐतिहासिक कार्य हो। और यहाँ जो यज्ञशाला आप देख रहे हैं, पक्का यज्ञशाला हम लोग सभी के सहयोग से बन रहा है। इसमें जो भी हमारे अभिभावकगण हैं और जो भी हमारे श्रद्धालु हैं उनका ये है कि ऐसा जग अभी तक नहीं हुआ हो उस तरह से हम लोग यहाँ जग करें। और इस बैठक में हर एक बिंदुओं को हम लोग ने चर्चा किया। इसमें जैसे अंकुर बाबा की बहुत बड़ा योगदान, सुना है बहुत बड़ा योगदान है अंकुर बाबा की, बाबा की अहम भूमिका है, बाबा के नेतृत्व में भी हम लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी सम्मानित हमारे जो सदस्य बैठे हुए हैं सभी अपने स्तर से लगे हुए हैं इस जग को सफल हम लोग कैसे करना है और इस तरह से विधि संगत हम लोग को काम करना है कि जो भी महिला पुरुष जो भी आए उसके उसके व्यवस्था सुविधा पर। और हम लोग को इस तरह के ढंग से हम लोग को ये जग करना है, जैसे कि बहुत लोग बता रहे हैं कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा होगी, उसके लिए हम लोग वॉलेंटियर्स हर एक गांव में हर एक चौक चौराहे पर, शासन प्रशासन का भी सहयोग लेना होगा उस समय हम लोग लेंगे। चलिए आपका परिचय? मैं मुकेश कुमार सुमन अधिवक्ता हूँ, यहाँ कुमकुम पंचायत का पूर्व मुखिया विरक्तिका। यहाँ तीनों जिला का जो है कि बॉर्डर के बॉर्डर पर के समीप लगभग ये जग का जो है कि शुरुआत होने जा रहा है, क्या यहाँ लड़कियों के लिए जो दूर दराज से औरतें आएंगी उन लोगों के लिए मैंने खास तौर पर क्या व्यवस्था रहेगा यहाँ पे प्रशासन को लेकर के? कथा पूजा जब तक होगी तब तक तो व्यवस्था है, लेकिन इसके बाद कमिटी से हमको नहीं नहीं खास तौर पे जो लेडीजों के लिए व्यवस्था रहेगी क्या रहेगी, क्योंकि मेला में जो है कि कुछ असामाजिक तत्व के लोग भी आते हैं। असामाजिक तत्व की जो व्यवस्था की जाएगी, असामाजिक तत्व जो है उनकी व्यवस्था की जाएगी जी। किसी भी लेडीज को किसी भी लड़की किसी किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी, चाहे जिला से भी आए जी। खास तौर से प्रशासन से क्या मैंने अलॉट कराइएगा? हाँ, प्रशासन भी अलॉट रखेंगे। आपका पूछे भैया? हम देखिए यूपी गवर्नमेंट से सेवा नहीं मिली जी, और अभी धरिष्णा बाबा का आप नाम ले रहे थे जी, धरिष्णा बाबा ने ही हमको बुलाया आफ्टर 60 ईयर्स, 60 साल के बाद धरिष्णा बाबा बुलाए हैं कुछ करने के, और हम आए हैं लगे हुए हैं, हम लगे हुए हैं, होगा बहुत कुछ होगा। यहाँ धरिष्णा बाबा जीता जागता है, हम ये जो आने वाले समय में भविष्य में हम देख रहे हैं, बच्चे थे उस समय भी होती थी, लेकिन आजकल जो है यहाँ धरिष्णा बाबा के पास हर महीने कोई ना कोई जग एक एक दिन में दो दो तीन तीन एग्जाम का आयोजन हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो है, बिना उसके नहीं हो रहा।
इतना महायज्ञ, एक विष्णु भगवान का यज्ञ हो रहा है जिसमें पूरे पंचायत, पूरे पंचायत की बात क्यों की जाए, तीन जिले यहाँ जो है कन्वर्ट हो रहा है, तीन जिला का बॉर्डर है यहाँ पे, तो व्यवस्था तो बहुत बढ़िया रहेगी। और हम अभी नए हैं लेकिन काम होगा, बहुत बढ़िया ढंग से काम होगा। अपना परिचय क्या बताए थे? रघुवर प्रसाद से बजरू बुढ़ा का सेवारी भी। जो आज हमारे महाराज जी बोल रहे हैं कि 11 दिवसीय यहाँ यज्ञ का प्रारंभ होने जा रहा है, इसे क्या कहिएगा? आपका इसमें क्या, आप लोग का योगदान है? हमारा जो योगदान पर्सनली हमारे तरफ से तो ये है कि राम धुन की जो खर्चे हैं वो हम उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ जो भी आए हैं या इस यज्ञ के परिक्रमा जो में जितने लोग हैं सब लोग सहयोग करते हैं, जता शक्ति तथा भक्ति सब योगदान कर रहे हैं और सबके योगदान से ये यज्ञ होगा और अच्छा यज्ञ होगा, भव्य यज्ञ होगा। अभी तक जो योजना बनी हुई है जी, अभी तक क्या क्या चीज़ों को लेकर योजना बनी हुई है? ऑलमोस्ट सभी मेजर पॉइंट पर डिस्कशन हो गया है मीटिंग में, जैसे गेट कहाँ बनना है, कितना बनना है, लाइटिंग क्या होनी है, जो खाना बनाने की व्यवस्था है वो व्यवस्था हो गई है आज ही मीटिंग में। दूर दराज से बहुत ऐसे घर के बेटी बहू भी आएंगे इस जग में, उन लोगों की खास तौर पे क्या व्यवस्था होगी? उन लोगों को ठहरने के लिए जहाँ तहाँ जगहशाला में पॉइंट बनेगा, हर जगह नल की व्यवस्था होगी, वहाँ पानी की व्यवस्था रहेगी, शरबत की व्यवस्था रहेगी, रहने बैठने टॉयलेट की व्यवस्था है, भोजन तो है ही दोनों टाइम, ये तो नॉर्मल है, चाहे जो लोग भी आए उनको भोजन फ्री है। भोजन क्या, भोजन को प्रसाद है ये। चाचा जी आपका नाम? रामेश्वर सिंह। जो है कि भारी पैमाने पर लोगों की बैठक हुई है और लोग कहना है कि इसमें बहुत सा लोगों का योगदान है, इसमें कहां तक से चाहिए? एकदम सत्य है कि हम लोग जो सोचे थे उसे कहीं दूना इसमें लोग का लगन है कि कैसे जग पार। क्या लग रहा है कि जग जो हो रहा है सफलता पूर्वक जो है? एकदम सफलता ही सफलता है, खर्चा का कोई अंत नहीं है, लेकिन जो उम्मीद किए गया था यहाँ पर उसे कहीं पढ़कर चंदा आ रहा। आपका परिचय? मेरा परिचय है राजदेव राय, पूर्व मुखिया कुमकुमपुर पंचायत। गांधी महात्मा आए, दर्शनीय महात्मा भी आएंगे, त्यागी महात्मा आएंगे, ये बहुत भारी जगह है। आपका परिचय बाबा? हमारा परिचय है कि इसके बगल में एक मलमलिया हनुमान मंदिर है, वे मंदिर के हम महंत हैं, वो मेरा देख रेख में स्थान बना है और ये मेरा 22वां यज्ञ हो रहा है। अपना नाम बाबा? मेरा नाम है एक छोटा सा अंकुर राजी महात्यागी।